अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चीज़ी कटलेट्स, जो देखने में तो बड़े ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं लेकिन खाने में भी बड़े मज़ेदार हैं। इसे हम सिर्फ एक आलू से बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक आलू, थोड़ा सा धनिया, कॉर्नफ्लावर, थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक हसबे ज़ायका। यहाँ है घर की बनी हुई ब्रेड क्रम और मैंने लिया है मैदा। चीज़ के ये पीस हैं और इसके अलावा ये हमारे पास है एक एग। तो सबसे पहले हम धनिए को काट लेंगे। धनिए को इस तरीके से काटने के बाद बिल्कुल बारीक कर लेंगे इसे। तो जी ये चीज़ी कटलेट्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो प्लीज़ बनाइएगा ज़रूर। हम इन्हें बच्चों को भी खिला सकते हैं और बड़ों के तो वैसे ही फेवरेट होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं, जैसे 2 साल से 3 साल से 4 साल तक के बच्चों को भी हम ये खिला सकते हैं। क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा मिर्चें भी नहीं डाली हैं, सिर्फ थोड़ी सी हमने इसमें काली मिर्ची डाली है और थोड़ा सा हमने नमक डाला है। लेकिन अगर बड़े खाते हैं तो हम थोड़ी सी काली मिर्ची बढ़ा भी सकते हैं और नमक का टेस्ट भी थोड़ा तेज़ कर सकते हैं। तो चले यहाँ पर हम आलू को मैश कर लेंगे। अब पहले इसे कट कर लेते हैं और फिर उसे मैश कर लेंगे। तो मैं इसे कांटे की मदद से मैश कर रही हूँ क्योंकि ये 1 है, 1 है, तो इसलिए मैं इसे एक चम्मच की मदद से ही मैश कर रही हूँ, वरना मैं मैशर से मैश करती अगर ज़्यादा होती तो। हमारा आलू मैश हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बाकी मसाले, जैसे कि ये धनिया है, नमक, काली मिर्ची। इसे इस तरह से फैला के डाल दें, एक ही साइड पर डाल देंगे तो वो एक ही साइड पर रह जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने डाल दिए हैं। अब इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च, जिससे हम कॉर्न सूप को गाढ़ा करते हैं, ये वो है। और अगर आप लोगों के पास कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप चावलों का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी, देखें आलू रह नहीं गया है, इसमें सारे के सारा आलू पिस गया है, एक भी पीस नहीं नज़र आ रहा है इसके अंदर हमें, क्योंकि ये हमें चीज़ के ऊपर फोल्ड करना है, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। अब यहाँ हम ले लेंगे चीज़ स्लाइस तो नहीं है, फिंगर चिप्स की तरह कटे हुए, फ्रेंच फ्राइज की तरह कटे हुए, ये भी कर सकते हैं। और हम ले लेंगे एक अंडा, इसे हम इस तरह से फेंट लेंगे। तो जी अब यहाँ पर इस तरह से हम इसको, ये देखें यहाँ नीचे गिर गया, कोई मसले की बात नहीं, इस्तेमाल कर लो, ये देखिए मैंने इसे ऐसे एक आटे के पेड़े की तरह, शामी कबाब की तरह बनाया है, ये देखिए। ये इस तरह से इसको बनाने के बाद देख कितना अच्छे से बन गया है ना। अब इसके हम अंदर हमें रख देंगे चीज़, फोल्ड करेंगे। टूट रहा है आलू, टूट रहा है कोई मसले की बात नहीं है, फोल्ड तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छे से इसे प्रेस कर करके आप इसे फोल्ड कर लें, जैसे कोला कबाब बनाते हैं इसी तरीके से आप इसे प्रेस कर करके आराम से बना लें। ये देखिए कहीं से भी चीज़ बाहर नज़र नहीं आना चाहिए,
नहीं तो फ्राई करते हुए चीज़ बाहर आ जाएगा और कटलेट्स की सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए इसे इस तरह से बना लें, ऐसे प्रेस कर लें। ये देखिए ये हमारा चीज़ी कटलेट रेडी। अब सारे हम ऐसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारे इसी तरह से बना लिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसकी कोटिंग करने के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम, फ्लावर यानी कि मैदा और एक अंडा। तो सबसे पहले हम फ्राइंग पैन को रख देते हैं चूल्हे पर तेल गर्म होने के लिए। अच्छा जी, तो अब इसकी हम करते हैं कोटिंग। फ्रेंड्स बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और बनाने के बाद हमें दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, ये देखिए पहले मैंने मैदे की कोटिंग की है, इसके बाद मैं अंडे की कोटिंग कर रही हूँ। इसे आराम आराम से इस तरह से बस इस तरह से जेंटली हाथ से उठा के ब्रश क्रम में ऐसे कोट कर लें। तो देखें ये अच्छे से कोट हो गई है, हो गया है, ये अच्छे से कोट हो गया है। तो देखें ये थोड़ा थोड़ा सा रह गया है, तो फिर हम यहाँ से अंडे में डिप करेंगे इसे और फिर लगाएंगे ब्रेड क्रम। तो रेडी हो गया है हमारा एक कटलेट, बाकी भी हम इसी तरह से बनाएंगे। ओके, तो बाकी भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सारे कटलेट्स की कोटिंग हो चुकी है और मैं ये कैमरा ऑन करना भूल गई थी और मैंने कटलेट्स जो हैं ऑयल में फ्राई के लिए डाल दिए हैं, लेकिन ये बाकी के जो दो बचे हैं मैं अभी आपके सामने डाल देती हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने प्लेट से कटलेट्स उठाकर ऑयल में डाले हैं इस तरह से। और इससे बिल्कुल इसको 2 मिनट के बाद आप इसे इस तरह से पलट लें जैसे मैंने अभी यहाँ से पलट लिया है, बिल्कुल जेंटली अंदाज में। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे कटलेट का, चीज़ी कटलेट। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और ये ज़रूर कटलेट्स बनाइएगा। छोटे बच्चे भी खा सकते हैं इसे, बड़े भी खा सकते हैं। तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मसाला डालिएगा, बाकी मज़ेदार टेस्टी कटलेट्स तैयार हैं। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथों से आपने इसे इस तरह से पलट लेना है। ये अभी पलटा नहीं जा रहा मुझसे, मैं बाकी के जो हैं वो कटलेट्स निकालने के बाद ही मैं अलग पलट करूँ। तो जी बस अभी से निकालने का वक्त आ गया, अभी हम निकाल लेते हैं। ये देखें ज़बरदस्त कलर आया, ये देखें, और ये बने भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भाई मैंने तो खाए ना और आप लोग तो सिर्फ देख रहे हैं। मेरी मानिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त सी रेसिपी चीज़ी कटलेट्स विथ 1 पोटैटो। ओके जनाब, तो लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और शादियों की तकरीबें शुरू हो गई हैं और यहाँ पर
जो है पटाखे, बम पटाखे फट रहे हैं, बम पटाखे और खूब आवाज़ें आ रही हैं। आई होप कि आप लोगों को ना आ रही हो। चलो तो देखिए, ये लास्ट हमारे पास कटहल बचा था तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया फ्राई करने के लिए। अब इसे हम फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे, डिश आउट करेंगे और फिर हम आपको खा के बताएँगे ये कैसे बने हैं। वैसे तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको आपका दिल रखने के लिए बता देंगे कि कैसे बने। तो जी ये लास्ट बचा है, इसे भी हम बिल्कुल ख्याल नहीं करेंगे, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। और इस बार मैंने अपना मोबाइल काफ़ी दूर करके लगाया है, नहीं तो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ और वो कहता है इट्स टू हॉट, इट्स टू हॉट, तो अच्छा भाई ऐसा ना हो मोबाइल ही पक जाए या फ्राई पैन में गिर जाए। चले तो भाई हमारे हो गई बातें ख़त्म और ये हमारा कटलेट हो गया रेडी, चीज़ी पोटैटो कटलेट। देखिए मैंने डिश आउट कर दिया इसे, मैंने इसे टिश्यू पे निकाला था, एक्स्ट्रा ऑयल उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो अब इसे मैंने प्लेटिंग कर ली है इसकी। तो चलें जी इसे खाने के लिए रेडी हो जाओ। ओके फ्रेंड्स, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बनाइएगा ज़रूर, प्लीज़ बनाइएगा ज़रूर, सारे काम छोड़ दो मेरे, ये प्लीज़ चीज़ी कटलेट्स बना के देखिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसे लगे। प्लीज़ 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 बनाइएगा ज़रूर, बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है भाई, वाह ये देखिए वाह। अच्छा जी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलें ये देखिए मज़ेदार कटलेट्स, फर्स्ट क्लास कटलेट्स रेडी हैं। आलू के कटलेट्स तो हमने खा लिए बहुत ज़्यादा, अब हम खाते हैं चीज़ी कटलेट्स, आलू विथ चीज़, और वो भी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, खुदा हाफिज़।